नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। हॅलो, मैं मोहम्मद तन्वी, परभणी न्यूज की ओर से। अभी जैनब कॉलोनी, हाजी अमित कॉलोनी है, और यहाँ के लोगों के जो परेशानी है ये जानने के लिए हम परभणी न्यूज़ की ओर से आए थे। जो कि लोगों का कहना है कि महानगर पालिका हमारी तरफ ख्याल करे, गवर्नमेंट, कलेक्टर मैडम, वो सब ख्याल करना यहाँ पे चाहिए बोल के यहाँ की जनता का कहना है। हम भी इंसान है बोल रहे, जनता आप भी इंसान है, इंसान इंसान को पहचानो बोल रहे, ऊंच नीच मत करो, हर काम अच्छा करो बोल के बोल रहे। कॉलोनी में रोड चाहिए, नालियाँ चाहिए, रास्ते देख के आके जा। काउंसलर तो कुछ वो नहीं कर रहे हैं, ख्याल करो रोड के लिए, नालियों के लिए। तुम्हारा नाम क्या है पूरा? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर अली मोहम्मद। कितने साल से रहे थे तुम यहाँ पे? यहाँ मैं 4 साल से रह रहा हूँ। 4 साल से रह रहे थे तो रोड़ा की वो तुम्हारी मांगनी है कि नगर पालिका ने रोड़ा नालिया होकर के देना। हाँ, बस वही हमारा वो है कि भाई। और स्ट्रीट लाइट है क्या यहाँ पे? लाइट नहीं, कुछ नहीं। यहाँ स्ट्रीट लाइट चाहिए। स्ट्रीट लाइट चाहिए। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हर कुछ कहना चाहते गवर्नमेंट से आप? और वही कहना है हमारा कि नालिया रोड़ा जल्द से जल्द और लाइट का इंतजाम कीजिए। ठीक, शुक्रिया। की ओर से मैं मोहम्मद तनवीर, हाजी अमित कॉलोनी, परवाग नंबर 11 में आया वाला हूँ। जो कि यहाँ पे समस्या है रोडों की, नाली की, है मजीद जो बोलते हैं उसकी। ये मस्जिद के सामने घर रास्ता है। बोलो, क्या परेशान चलो? बहुत परेशान चढ़ी, नाला रोड नहीं है, कोई नहीं, बहुत परेशान चढ़ी, रास्ता नहीं है कुछ जाने आने को, कोई नहीं। बहुत मस्जिद के सामने बहुत परेशानी हुई, नमाज के लोग आगे का बहुत परेशान, नाली का पानी फैल गया रोड पे, रास्ते पे रास्ता नहीं है जाने आने को, परेशानी हो रही है। यहाँ कहाँ से जाना है? चिकड़ में से पैर चढ़ गए पूरे। दवाखाने में जाने आने, दवाखाने में जाने वो परेशान जा रही है? हाँ, दवाखाने में जा रही, परेशान जा रही जाने को भी। अच्छा जी, आने जाने को हम पहले जाने हो रही है, आने जाने को हम पहले जाने हो रही। तुम्हारे क्या हो रहा बेटा? हमको जाने को परेशानी है रे, हमारे दादी दादी गिर के गए, कुदी मार रहे थे। तो कब गिरे तुम्हारी दादी? अभी राशन ला रहे थे। मार लगा उनको? हाँ। कितना लगा? थोड़ा लगा। मैं मोहम्मद तनवीर, अभी सरफार नगर, यहाँ गट्टू का काम चालू है। भगवान वाक मारे नगर सेवक, उप महापौर परभणी इनके तरफ से, और जो कि अच्छा काम चालू है इसलिए शूटिंग लेने आ रही। अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा। अभी फिलहाल सरफराज नगर गट्टू काम बेहतरीन तरीके से चालू है और मजबूती से काम चालू है। गुत्तेदार कौन है? मिस्त्री अजय भाई। किसके फंड में से काम चालू हो रहा है? वागमारे साहब। हाँ मामा, किसके फंड में से काम चालू है? वागमारे साहब, भगवान वागमारे, उप महापौर। अच्छा अच्छा, बोलो। हम सरफराज नगर में आए वाले हैं, अभी
इकबाल चाचा प्रिंस इनसे मुलाकात ले रहे हैं और उन्हों कुछ कहना चाहते हैं काम के बारे में। ये गट्टू के अच्छा काम चल रहा है हमारे नगर सेवक नाम दी। हाँ, हमारे भगवान भगवान सब हमारे जो वार्ड के नगर सेवक है वो हर बात हमारी सुनते हैं। अच्छा, और हमारे बात पे दखल देते हुए उन्होंने फौरन जो है तो हमारे एरिया में आ जाते हैं। जब भी बुलाए तो हमको रिक्वेस्ट देते हैं और उसके बाद काम बहुत नंबर एक वन चल रहा है। हमको बहुत खुशी है। आणि याच बरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।